नमस्कार और आप सभी नए दर्शकों का स्वागत है इस नए वीडियो में। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। जी हाँ, हम बात करेंगे आज बायोटेक की जो वैक्सीन है उससे स्टॉक मार्केट पर क्या फर्क पड़ा है, और हम लोग ये भी बात करेंगे कि बायोटेक और BIBCL में क्या फर्क है और हमारी रिकमेंडेशन क्या है इन दोनों के लिए। आइए चलकर जाने। आपको शायद पता ही होगा कि कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक ने विकसित की है वो क्लिनिकल ट्रायल का अप्रूवल मिल गया है, वो क्लिनिकल ट्रायल में एंटर हो गई है। ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज है एक ह्यूमन रेस के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो, क्योंकि सभी लोग परेशान हो रहे थे, पता नहीं था कि कैसे वैक्सीन बनेगी, कैसे क्लिनिकल ट्रायल में जाएगी। ये पहली भारतीय कंपनी है जिसने वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल के लिए लॉन्च किया है। अभी तक जो न्यूज आई थी वो सिर्फ मेडिसिन की आई थी, वैक्सीन की नहीं आई थी। वैक्सीन और मेडिसिन में डिफरेंस है, शायद आपको पता ही होगा। तो ये इसके चलते हुए बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज मानी जा रही है। ओवरऑल इंडियन मार्केट का मोरल बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ है। बायोटेक एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल फर्म है जो कि इंजेक्शंस के द्वारा इम्यूनेशन की सप्लाई को ग्लोबली प्रोवाइड करती है। इसको भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बहुत अच्छी तरह से पुरस्कृत भी किया गया है, और इसका रोटोवैक मेडिसिन बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है इन्होंने जो लॉन्च किया है पूरे ग्लोबली। जी हाँ, भारत बायोटेक इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। हमारे पिछले वीडियो में हमारी रिसर्च टीम से थोड़ी गलती हो गई थी जिसमें हमने क्लैरिफिकेशन नहीं कर पाए थे, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम क्लैरिफिकेशन के लिए बोलते हैं फिर से, भारत बायोटेक इंडियन के किसी भी स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड नहीं है, ना ही BSE में और ना ही NSE में। अब आकर चलते हैं BIBL। BIBL जो है भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन इंडिया है, जो कि एक PSU है गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड, और इसके भी काफी अच्छे रिव्यूज हैं। और हमारी जो रिकमेंडेशन है वो प्योरली टेक्निकल बेसिस पे है, और गिवन कि स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी अच्छा रुझान दिखाई देगा इस न्यूज के चलते हुए, हमारी बाय एट करंट मार्केट प्राइस की रिकमेंडेशन रहेगी BIBCL को। हमने पुराना वीडियो जब डाला था 3-4 दिन पहले, उसमें हमारी रिकमेंडेशन थी ₹14.25। अगर आपने उसको लेके रखा है तो प्लीज कंटिन्यू टू होल्ड, और हम टारगेट आपको अभी बता रहे हैं, इसका टारगेट रहेगा ₹20। जी हाँ, हम उम्मीद यह कर रहे हैं कि ये स्टॉक बहुत ही जल्द ₹20 में बिकना शुरू होगा, आप वहां पर अपना पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। इसका टाइम फ्रेम करीब करीब 3 से 6 महीने के टारगेट रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।